22 अप्रैल 2024 स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो के अंदर। अभी 2-3 दिन से मनाली के अंदर कंटिन्यू बारिश चली हुई थी और बारिश में बहुत से टूरिस्ट घबरा रहे थे कि अभी मनाली आना सेफ है कि नहीं है, क्या हम लोग मनाली जाते एंजॉय कर पाएंगे कि नहीं। आज आप देख सकते हैं मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है, बहुत अच्छी धूप खिल के आई है, एप्पल के बगीचे के अंदर हम लोग हैं। तो अभी स्नो के लिए आप कोक्सर जाइए, कोक्सर से अच्छा कोई भी स्नो पॉइंट नहीं है। अभी सोलांग वैली, अटल टनल या फिर सिसु, इन तीनों जगह पे स्नो नहीं है। सिसु से आगे भी अगर आप केलोंग जिस्पा साइड जाते हैं तो कोक्सर से ज़्यादा आपको स्नो नहीं मिलता। कोक्सर विलेज तक जाके बैरियर के पास आप गाड़ी पार्क करके आगे जा सकते हैं, वहाँ से आप ATV भी ले सकते हैं और पैदल भी जा सकते हैं। तो बहुत अच्छी स्नो आपको कोक्सर के अंदर मिल जाती है। अभी एक दिन हो गया आपका स्नो का, दूसरा दिन आप कुल्लू की साइड में स्पेंड कर सकते हैं अगर आपको रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग करनी है। उसके अलावा एक और जगह है जो काफ़ी फेमस है, हमटा पास सेथन विलेज। इसके बारे में बहुत से टूरिस्ट की इंक्वायरी आती है और सर्दियों में तो ये जगह जन्नत होती है। आज हम जा रहे हैं हमटा पास में, तो हमटा पास में कितनी स्नो बची है, कैसा वहाँ का वेदर है, ये सारा का सारा आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा और अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए, जैसे ऑलरेडी आप लोग बहुत सहयोग, बहुत सारा प्यार इस चैनल को, हमारी वीडियोज़ को दे रहे हैं। और आज का मौसम आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा, क्लाउड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये माउंटेन के टॉप पे अभी स्नो है। बाकी मनाली में नीचे तो स्नो नहीं बची है, अभी केवल जो टॉप दिखते हैं माउंटेन टॉप वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत स्नो मिलती है। और हम लोग केवल कर्न नंबर 2nd या 3rd के पास पहुँचे हैं और यहाँ से एक बार व्यू आप देख लीजिए, कितना अच्छा व्यू आता है। पक्षियों की आवाज़ें बीच बीच में आप सुन सकते हैं और ये पूरा का पूरा मनाली आपको यहाँ से दिखना शुरू हो जाता है 2-3 करो क्रॉस करने के बाद ही। और जो रोहतांग, सोलांग, अटल टनल की तरफ की पहाड़ियाँ हैं वो ये यहाँ से आपको दिखती है। और ये जो बीच में माउंटेन आ गई, इधर से वो रोड गया है इसके बैक साइड से। हमटा जब आप आते हैं तो हमटा बेसिकली फेमस है यूनिक स्टेज के लिए। ये आप देख सकते हैं कुछ अलग तरह की हट्स यहाँ पर बन रही है और ये ग्लैम्पिंग का स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार हो चुका है। ग्लैम्प्स वगैरह काफ़ी है, आप हमटा में इग्लू के अंदर भी स्टे कर सकते हैं सर्दियों में। अभी तो इग्लू ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ पे आपको ट्री हाउस भी मिल जाते हैं। तो काफ़ी सारे यूनिक स्टे के ऑप्शंस है जब आप हमटा पास आते हैं। और यहाँ पर नीचे जब हम लोग शूट कर रहे थे तो ज़्यादा फ्लावर एप्पल पे नहीं थे। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जितने भी एप्पल के ट्रीज़ हैं वो सारे के सारे प्रॉपर फूलों से अभी लदे हुए हैं। बहुत अच्छे फ्लावर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं क्योंकि ये जितनी ज़्यादा हाइट रहती है तो वहाँ पे उतना लेट फ्लावर आते हैं और उतना लेट फल पकता है क्योंकि यहाँ पे सर्दी ज़्यादा रहती है। और मैं थोड़ा क्लोज से जाके ये फ्लावर से एक बार दिखाता हूँ आपको। तो ये है एप्पल के फ्लावर्स जो कि हल्के वाइट कलर के रहते हैं, बीच में पिंक शेड रहती है। और ये कलियाँ देख सकते हैं आप, बीच में कुछ मधुमक्खी की आवाज़ सुन सकते जो कि यहाँ से फूलों का रस लेने के लिए आई है। और बीच में से इनके क्लाउड्स दिखते हैं बहुत ही सुंदर। और पक्षियों की आवाज़ें तो इतनी अच्छी आती है यहाँ पे, ब्यूटी कहने सुनने से परे है और नेचर का कोई भी मुकाबला नहीं है ब्यूटी के मामले में। और हम लोग जिस गाड़ी से आए हैं वो गाड़ी वो खड़ी है मारुति जिमनी। यहाँ पे ग्राउंड क्लीयरेंस आपकी गाड़ी का अच्छा हो तभी आपको मज़ा आएगा हमटा पास में आके। ऐसे तो आप कोई भी गाड़ी लेके आ सकते, ग्राउंड क्लीयरेंस अच्छा है तो आपको दिक्कतें नहीं आती इस रोड पे। तो अभी हम लोग आ गए हैं निर्वाणा हमटा रिट्रीट पे और यहाँ पे जो ग्लैम्प्स वगैरह होते हैं वो आपको दिखाते। कई बार आप लोग पूछते हैं कि स्टे के भी ऑप्शंस दिखाओ, तो यहाँ पर बहुत सारे ग्लैम्प्स है जो कि यहाँ की माउंटेन्स के नेम पर जिनके नेम रखे हैं। ये अभी भृगु लेक है यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत, तो उसके नाम पे ये ग्लैम्प है, काफ़ी सुंदर है। सबसे पहले यहाँ से व्यू एक बार आप देख लीजिए कैसा व्यू आता है, उसके बाद फिर अंदर से दिखाते हैं आपको कैसे है ये ग्लैम्प्स वगैरह। यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, चेयर वगैरह यहाँ पे लगी है। उसके बाद जब आप एंट्री करते हैं तो बहुत खूबसूरत ये ग्लैम्प्स है। यहाँ पर आपको सर्दियों के लिए हीटर फैसिलिटी होती है, ये बेड है बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे ये जकूजी मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये। और अगर आपको ये बुक करना है
तो ये सागर भाई हैं इसके ओनर, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है उनके 7807289392, और एक और नंबर है, तो ये दोनों नंबर आप ले सकते हैं यहाँ की बुकिंग्स के लिए। और सर्दियों में जब आपको ठंड लगती है तो ये स्पेस है यहाँ पे, बोनफायर अक्सर चला होता है, तो आप यहाँ पे अंदर बैठ सकते हैं। कुछ बुक्स वगैरह है जो आप लोग पढ़ सकते हैं बैठ के यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छी ये जगह है। और ये इन्फिनिटी बेड बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे बैठ के व्यू बहुत अच्छा आता है, रील्स वगैरह के लिए बहुत परफेक्ट जगह ये बनी होती है हर ग्लैम्स के अंदर। और अभी एप्पल की फ्लावरिंग बहुत अच्छी है और बहुत खूबसूरत व्यू यहाँ से आता है। और ये मौसम लगता है फिर से पलटी मारेगा, अभी तो धूप आ गई है, अभी 2 मिनट पहले तक फिर से बादल हो चुके थे। और ये रोड है आमटा का, आप देख सकते हैं कैसा ये रोड है, और रोड से जाते हुए व्यू बहुत शानदार आते हैं यहाँ से। यहाँ पे ग्लैम्पिंग क्लब करके कोई ग्लैम्प्स थे, तो काफ़ी सारे ग्लैम्पिंग के ऑप्शंस यहाँ पे है, ट्री हाउस यहाँ पे मिल जाते हैं, कैंप्स मिल जाते हैं, तो यूनिक स्टेज के लिए आप लोग यहाँ पे बुक कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको कॉस्टली यहाँ पे पड़ता है, क्योंकि आपको ऊपर आने के लिए अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ी बुक करके आना पड़ता है, या फिर आप लोग जो ग्लैम्प जिनका भी बुक करें तो उनसे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो पिक ड्रॉप के साथ उनके थ्रू आप गाड़ी बुक करें तो फिर वो शायद सही बजट में पड़ेगा। और ये देखिए अभी बहुत खूबसूरत नज़ारे इस रोड के, और अभी 4x4 की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस तो अच्छा कम से कम हो एटलीस्ट जो भी गाड़ी आप लेके आए यहाँ पे। और कुछ दिन पहले तक जब हम आते थे तो इस रोड पे बहुत स्नो मिलती थी, और अभी आप देख सकते हैं स्नो ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल, और ये लगभग कच्चा जैसा रोड है, नीचे ऐसे पत्थर वगैरह डले हुए हैं, लेकिन गाड़ी हिलती बहुत ज़्यादा है जब यहाँ से चलते हैं। और यहीं पे था एक्टिविटी ग्राउंड, जहाँ पे स्नो के अंदर लोग आके एक्टिविटीज़ करते थे, तो अभी स्नो यहाँ की एक्टिविटी ग्राउंड की तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और ये कुछ कैफेज है यहाँ पे, जहाँ पे बैठ के आप लोग खाना वगैरह खा सकते हैं, चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। और अभी जो ये क्लिप हम डाल रहे हैं इसमें आप म्यूजिक सुन पा रहे होंगे, पीछे बर्तन वगैरह की आवाज़ें आ रही है, तो शायद हम लोग आगे जाके कुछ थोड़ी बहुत कुकिंग भी आज करने वाले हैं, तो देखते हैं आज क्या पकता है हमटा पास के अंदर। और यहाँ पे सुकून कितना है ये देख सकते हैं, कुछ भेड़ यहाँ पे चर रही है, तितलियाँ कुछ उड़ रही है, ग्रीनरी अभी हो चुकी है बहुत ही सुंदर हमटा पास के अंदर। और इसी वजह से यहाँ पे हमटा पास के लोग दीवाने हैं, बर्फ़ नहीं भी होती जब भी लोग यहाँ पे आते हैं। और ये जहाँ पे हम लोग रुके हैं पांडुरोपा, ये यहाँ पे प्लांट एरिया है, महाभारत के टाइम पे पांडव जब अज्ञातवास के दौरान ही यहाँ पे आए थे इस साइड में, तो यहाँ पे वो लोग रुके थे, और जो यहाँ पे उन्होंने धान की खेती की थी वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे ये मंदिर भी बना रखा है, गांव के लोग हैं जो उन्होंने, यहाँ पे कुछ फ्लैग्स लगे हुए हैं। और उधर ऊपर जो वो बड़ा पत्थर आपको दिख रहा है, वहाँ पे वो कमरा है, गुफा है असल में, एक पांडु के वो बोलते हैं, तो वहाँ पे वो लोग रुके थे, वहाँ पे एक लकड़ी का कमरा जैसा उन्होंने बना रखा है। और ये वो धान है जो आप जब भी आएंगे आपको हमेशा यहाँ पे एज इट इज़ मिलेगी, बर्फ़ के दौरान भी पूरा का पूरा ये एरिया बर्फ़ से ढक जाता है, जैसे ही बर्फ़ ख़त्म होती है तो ये धान तभी दिखाई देनी शुरू हो जाती है, कभी भी ख़त्म नहीं होती, 12 महीने ये ऐसी ही रहती है। और यहाँ के व्यू बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ के। तो अभी हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं लास्ट डेस्टिनेशन, जहाँ तक आप गाड़ियाँ लेके आ सकते हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत यहाँ से व्यू आता है, और ये जो ब्लू कलर का और ग्रीन कलर का टेंट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ लोग रुके हैं, शायद ट्रैकिंग्स का कोई ग्रुप होगा, और यहाँ पे उनके लिए अभी खाना बनाया जा रहा है। और दूर एक और रोड के साइड में ग्रीन हट दिख रही है आपको, तो वहाँ पे आगे प्रोजेक्ट एरिया स्टार्ट है, तो वहाँ से आगे आप गाड़ियाँ लेके नहीं जा सकते, तो यहाँ तक आप गाड़ी लेके आ सकते हैं।
तो ये गाड़ी हमने यहाँ पे लगा दी है, अभी पार्क कर दी है। और कुछ लोग ऊपर ट्रैक के लिए गए हैं, यहाँ पे स्नो नीचे नहीं बची है, और ऊपर अगर आप लोग ट्रैक करके जाते हैं तो ऊपर आपको थोड़ी बहुत स्नो मिल जाती है। तो स्नो के लिए तो मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन जो यहाँ के व्यू है, जो यहाँ की शांति है, जो यहाँ की वाइब्स है, उसके लिए तो आप किसी भी मंथ में आ सकते हैं। जनवरी फरवरी मार्च में तो बहुत तगड़ी स्नो होती है इधर, और अभी स्नो कम है, लेकिन जो व्यू है यहाँ के वो किसी भी जगह से आप कंपेयर करेंगे तो उन पे 21 ही पड़ेंगे ये। तो अभी हमारी हो चुकी है यहाँ पे लंच की तैयारी, और मेरे से ज़्यादा आवाज़ शायद आ रही होगी आपको, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पक्षी चहचहा रहे हैं उसकी, यहाँ पे जो ठंडी ठंडी हवा बह रही है उसकी, और साथ में यहाँ पे रिवर बह रही है तो उसका शोर आप सुन सकते हैं। तो अभी लंच की हम लोग तैयारी करते हैं। ये कि हमने गैस ऑन और यहाँ पे रखा फ्री वाला कुकर। फ्री वाला इसलिए है कि ये किसी ने हमें दिया था गिफ्ट में, और ये मसालेदानी है जिसके अंदर सारे तरह के मसाले हैं। तो अभी कुकर के अंदर वेट करते इसके गर्म होने का। उसके बाद ऑयल हमारे पास है, मटर को हमने छील के रखा है, प्याज हमने रखे हैं, और राइस को धो के ऑलरेडी हमने रख लिया है। और नॉर्मली तो आप लोग ये छोटी छोटी चीज़ें हैं हर जगह आप खाते ही रहते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे जब आप कुकिंग करते हैं तो यहाँ का टेस्ट उसका कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है ऐसी चीज़ों का। और मौसम यहाँ का बार बार चेंज हो जाता है, सुबह बिल्कुल तेज़ धूप थी और अभी हल्का हल्का बारिश का मौसम हो गया है। तो ऐसा ना हो हमें फिर से बीच में कुकर लेके भागना पड़े जैसे लास्ट टाइम हुआ था। लास्ट टाइम भी जब हमटा पास के अंदर हम लोग आए थे तो बारिश भी उस दिन हुआ और स्नोफॉल भी हुआ था। तो अभी पुलाव हम लोग बनाते हैं और फिर उसके बाद आपको बताते हैं कैसे पुलाव बनते हैं। और अभी आप देख सकते हैं पुलाव की हमारी तैयारी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, पानी हमने डाल दिया है, और क्या ही व्यू है यहाँ का, बहुत खूबसूरत व्यू। और ये देखिए जो बहुत तेज़ धूप कुछ देर पहले तक थी, अभी बारिश के अंदर शायद हम लोगों को कुकर उठा के यहाँ से भागना पड़ेगा। तो हम लोग वेट करते कुकर बंद करते हैं ताकि ये राइस वगैरह बन जाए, और उसके बाद हम लोग लंच का मज़ा लेते हैं। और अभी हमारे चावल हो चुके हैं रेडी, और गैस इसकी हम लोग निकाल देते हैं। यहाँ से बहुत खूबसूरत वाटरफॉल दिखाई दे रहे हैं, और ये पेड़ों के बीच में व्यू कैसा है। तो कई बार क्या होता है कि मौसम का यहाँ पे भरोसा नहीं होता। हम लोग वैसे यहाँ पे पुलाव बना रहे हैं, और एक और चीज़ हम लोग दिखा रहे हैं आपको कि ये देखिए, हम आज यहाँ से घर से रोटी और सब्जी भी पैक करके लाए हैं, और एक बहुत छोटी सी आइटम है जो कि आप ला सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए रोटी को, ये टोस्टर है जो कि बहुत काम आता है जब भी आप कैंपिंग वगैरह में होते हो, ब्रेड वगैरह आप टोस्ट कर सकते हैं इसके अंदर, या फिर रोटियां वगैरह अगर आपने गर्म करनी है तो ये बहुत अच्छे आइटम है। कई बार क्या होता है कि मौसम का पता नहीं चलता कैसा हो जाए। तो यहाँ पे चावल भी ऑलमोस्ट हमारे रेडी हो गए हैं, और रोटियां भी हम लोग लाए थे, तो दोनों ही आइटम्स को हम टेस्ट करते हैं। आप भी कहीं भी जाते हैं तो ऐसे कुछ पैक करके भी लेके जा सकते हैं, जिससे कभी कई बार होता है बारिश होगी या कुछ तो वो चीज़ें फिर आपके काम आ जाती है। तो ये आप हमेशा सिक्योरिटी के तौर पे लेके चलिए अपने साथ। पीज़ पुलाव बनके हमारे हो चुके हैं तैयार, और आज की दावत हम उड़ा रहे हैं यहाँ के पक्षी जो है उनके साथ। तो थोड़ा सा पुलाव हमने उधर डाल दिया है, और भाई गर्म है, थोड़ा देख के खाइयो, ऐसा ना हो चोंच जल रही फिर गालियां दे रहे हो अंदर अंदर। क्या ही व्यू है। अभी बारिश जो होने वाली थी, वेदर अभी क्लियर हो चुका है, तो अभी पुलाव हम लोग खाते हैं और उसके बाद फिर कॉफ़ी चाय वगैरह कुछ बनाते हैं। और अभी कुछ चावल और बच गए हैं तो ये भी इनको डाल देते हैं। नहीं है
आराम से खाओ आराम। और ये मस्त कॉफी हमारी रेडी हो चुकी है, और ये पूरा का पूरा सेटअप आपने वीडियो में पहले भी देखा है। तो 2 कप कॉफ़ी के हमने रखे हैं, और आज वीडियो में हमारे साथ कोई गेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि गेस्ट हमारे साथ नहीं है, गेस्ट तो है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कई लोग ऑफिशियल छुट्टी नहीं लेके आते, ऑफिस से बंक करके आए होते हैं, तो आपकी प्राइवेसी आप तक ही रहती है। अगर आप लोगों का भी ऐसा प्लान है, कई बार आप लोगों को लगता है कि भाई उनके पास जाएंगे वो तो वीडियोज डालते हैं गेस्ट की, और फिर आपने जो ऑफिस से या फिर जॉब से छुट्टी ली होती है उसमें आपको दिक्कत आएगी, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, आप बेहिचक जो है यहाँ पे हमारे पास आ सकते हैं, आपकी प्राइवेसी को ऐसे ही रखा जाएगा। और ये खूबसूरत सा व्यू देखिए आप, बहुत ही सुंदर व्यू। तो अभी हमटा में महेश जी और नरेंद्र जी जो गेस्ट हैं यहाँ आए थे ये घूमने, तो इनसे जानते हैं कैसा लगा इनको हमटा पास। और मैं सैल्यूट करता हूँ इस उम्र में भी ये हमटा पास जैसी खूबसूरत जगह पे, जहाँ पे जवान लोग भी आने का 100 बार सोचते कि रास्ता गंदा है, जाएं कि ना जाएं, इतने सारे मोड़ है, तो वहाँ पे ये लोग पहुँचे हैं। तो जानते हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा। और महेश जी एक बार डेट भी बता देना आज की। आज 22 अप्रैल। हाँ जी बिल्कुल। और बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को, आपसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई, और हम बहुत इंस्पायर्ड हुए हैं कि बहुत अच्छा लगा। लाइव कॉफी पिलाई है आपने, और लाइव आपके काफी स्नैक्स भी थे। ये सेटअप है जो मैम जिसकी बात कर रहे हैं, जबरदस्त जगह है जी, और खुली वादियों में ये खाना बनाना रियली वेरी एंजॉयबल। जंगल में मंगल जैसा काम। बिल्कुल जी बिल्कुल। और यहाँ के तो जंगल भी इतने अच्छे हैं मनाली में, कहीं भी आप हो बिल्कुल 100% सेफ है। गाड़ी ड्राइवर क्या, हर आदमी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया जगह, एकदम पिकनिक स्पॉट हो गया है ये, बिल्कुल स्विट्जरलैंड कुछ नहीं इसके आगे जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया की ब्यूटी ऐसे है, विदेश भी फेल है, विदेश कुछ नहीं है जी, हमारा देश, हमारी जगह, हमारा खान पान, हमारे लोग, हमारी हॉस्पिटैलिटी, नथिंग लाइक मनाली, वी लव मनाली। थैंक यू सो मच सर, कि आप सभी भी आए। बिल्कुल बिल्कुल, एंजॉय करें, खुली वादियों का एंजॉय करें जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपके वीडियो को देख के और भी बहुत से लोग जो सोचते हैं कि 50 के बाद क्या घूमना, तो वो लोग आपका वीडियो जो भी देखेंगे उनके मन में भी जरूर आएगा जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे खुली वादियों में नेचर का मजा ले रहे हैं हम जी जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो अभी हम लोग यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं, और ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग रुके थे, जहाँ पे हमने कुकिंग की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी प्लास्टिक वाटर बोतल कुछ भी हमने कचरा यहाँ पे नहीं छोड़ा है, लेकिन कुछ एक लोग यहाँ पे आते हैं जो यहाँ पे काफ़ी सारा कचरा यहीं फेंक देते हैं। ये देखिए आप, 8-10 कप यहाँ पे, साथ में कैन, हमारा जितना भी सामान था वो सारा का सारा यहाँ पे इस थैली के अंदर डाल दिया है, तो इसको हम लोग उठाते हैं। आप लोग जब भी आते हैं ऐसी जगह पे, तो यहाँ की ब्यूटी की कदर करें और साफ सुथरा इस जगह पे रखें। ये देखिए अभी कितनी खूबसूरत दिख रही है, और जब यहाँ पे चारों तरफ ऐसे कप्स बोटल्स ये सब पड़ा होगा तो कितनी गंदी लगेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जब भी आते हैं मनाली में, या फिर कहीं भी जाएं, घूमने जाएं, या फिर आप अपने गाँव में, शहर में, जहाँ भी है, तो सफाई का ध्यान जरूर से रखें। और डेली सब कुछ सही होता है, और फिर कहीं ना कहीं से बारिश टपक जाती है। ये देखिए अभी हम लोग रिटर्न कर ही रहे थे कि अभी यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए पांडुरोपा के पास हम लोग पहुँचे थे, तो आज ये बात तो अच्छी रही कि जो हम लोग कुकिंग कर रहे थे वो कुकिंग हमारी अच्छे से हो गई है, और जब सारा सामान हम लोग पैक करके चले हैं तब ये बारिश शुरू हुई है। तो अभी हम लोग नीचे जाते हैं और मनाली के अंदर जाके देखते हैं मनाली में कैसे हालात है मौसम के और बारिश के। कितना खतरनाक अभी मौसम हो चुका है, बहुत ही तेज यहाँ पे अभी बारिश लगी है, और बारिश के बीच में ही कुछ स्नोफ्लेक्स कह सकते हैं, कुछ हेल स्टॉर्म्स कह सकते हैं, कुछ ओले कह सकते हैं। ओले यहाँ पे उस हिसाब से नहीं आते जैसा नीचे आते हैं,
वो नीचे तो बहुत स्पीड से आते, ऐसे लगता है कि गाड़ी का शीशा अब टूटा अब टूटा। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे आपसे टकरा रहे हैं, ये देखिए अभी, और साइज देख सकते हैं आप, काफी बड़ा साइज। तो लाइट स्नोफॉल इसको हम लोग कह सकते हैं। तो एक सेकंड में यहाँ पे मौसम ऐसे पलटी मार जाता है कि जिसके बारे में आप लोग अंदाजा ही नहीं लगा सकते। और ये देखिए अभी क्लाउड्स, पहाड़ों की चोटियां बहुत खूबसूरत हो गई है। तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर वेट करते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर नीचे जाएंगे। हो सकता है अभी थोड़ी देर में स्नोफॉल ज़्यादा हो जाए यहाँ पे, तो कुछ देर हम लोग वेट करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग नीचे की ओर जाना चालू करेंगे। और अभी आपने देखा बारिश चली थी बहुत तेज़, और हम लोग 15-20 मिनट वहाँ पे रुके थे, और उसके बाद वेदर हो चुका है एकदम क्लियर। और ये देखिए यहाँ से व्यू बहुत ही खूबसूरत आज के हो चुके हैं। हमटा बेसिकली जिस चीज़ के लिए फेमस है वो है यहाँ के जो व्यूज़ हैं। और ये देखिए कुछ ऐसे ऐसे व्यू, क्लाउड्स आप देख सकते हैं, और हवा इतनी ठंडी चली हुई है। और यहाँ पे अक्सर स्पीड लिमिट के बोर्ड आते, कई जगह पे 30 और कई जगह पे 15 किलोमीटर पर आवर। और ये देख सकते हैं क्लाउड्स बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये रोड है, ये देखिए। तो अभी लगभग 4 बजने को हैं और हम लोग मनाली से रिटर्न कर रहे थे। हमटा पास में बहुत ज़बरदस्त बारिश चली थी, लेकिन वो बारिश थी केवल हाइट पे, उसके बाद नीचे की तरफ बिल्कुल भी बारिश नहीं है। मनाली का वेदर बिल्कुल क्लियर है, तो आप लोग हमटा पास आ सकते हैं बहुत अच्छी वाइब्स के लिए। बहुत ही सुकून यहाँ की हवाओं में, यहाँ की वादियों में आपको मिलता है। स्नो के लिए आप अटल टनल क्रॉस कीजिए, कोक्सर की तरफ जाइए, और एक और सबसे अच्छा व्यू जो मनाली के आसपास आता है वो है सिसु क्रॉस करके, जिसपा दारचा आप लोग जा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मनाली की अपडेट्स के लिए। और अपना ख्याल रखिएगा, प्यार अपना यूं ही इस चैनल के प्रति बनाए रखिए। हम लोग जल्द मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के अंदर।